हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्प लाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जिसको हम ETO बोलते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर जो है वो 4 महीने का कोर्स है। इसको कोर्स करने के बाद आप ऑनबोर्डशिप जाके पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स के लिए आपको बता दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप 12th पास होने चाहिए 60% के साथ, और आप नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की होनी चाहिए 60% के साथ, नहीं तो इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन वो 60% के साथ, नहीं तो डिप्लोमा इंजीनियर 3 ईयर का होता है वो 60% के साथ, उसके बाद नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 60% के साथ। और एज लिमिट जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की अलग अलग कंडीशन है एज लिमिट की, तो अप्रॉक्सीमेटली लेके चलिए कि 35 साल हाईएस्ट होना चाहिए, 35 ईयर्स इज ओल्ड हाईएस्ट, और फिजिकली और मेडिकली आपको फिट रहना चाहिए। सबसे पहले आपका निकलता है ऑनलाइन फॉर्म ETO के लिए, जो आप अप्लाई करते हैं उसका निकलता है ऑनलाइन फॉर्म निकलता है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ता है, उसका कॉस्ट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के अलग अलग होते हैं, लेकिन अप्रॉक्स मान लो कि 15 से 3 हज़ार रुपये तक होते हैं एक फॉर्म। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप कोर्स किए हैं, उस कोर्स का जीरोक्स स्कैन करके ऑनलाइन अप्लीकेशन करना फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद फिर आता है आपका एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट एक निकलता है और उसमें आपका एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम में जनरल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप पढ़े रहते हैं, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में जनरल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपसे मर्चेंट ने भी क्यों ज्वाइन कर रहे हो या ETO कुछ कॉलेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, वो तो इंटरव्यू डिपेंड है कॉलेज पे और कंपनी पे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कॉलेज है, तो उसका इंटरव्यू उस टाइप का होगा, ठीक है। जैसे कि एंग्लो है तो वो बोलेगा कि मरकरी में फ्यूज़ है तो क्या है नहीं है, तो उस सबसे रिलेटेड मतलब जनरल बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी टफ नहीं होता इंटरव्यू में। उसके इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। फ्रेंड, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के जो डिफरेंट डिफरेंट रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का रूल है। कोई कॉलेज 157 सेंटीमीटर मांगता है हाइट जो है, कोई कॉलेज 150 सेंटीमीटर मांगता है, और आई में भी है कि कोई कॉलेज 6x6 आई मांगता है, कोई कॉलेज 6x9 मांगता है, 6x2 बोलते, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है कॉलेज पे, ठीक है। जनरली मैं बता दूं, आपको 48 kg मिनिमम होनी चाहिए और आपकी हाइट जो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक एडमिशन फॉर्म दे दिया जाता है, एडमिशन फॉर्म मिलने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिस कॉलेज के लिए आप फॉर्म भरते हैं उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपको डोनेशन लगता है। और इसमें क्या है, ETO कोर्स के लिए आपको लगभग कॉलेज का जो है वो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ता है, यानी कि अगर आप अदर कोई कोर्स करते हैं, BTech हो गया, DNS हो गया, कोई भी कोर्स करते हैं अदर, तो उसके लिए आपको 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं सेमेस्टर वाइज, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना पड़ता है जो भी कॉलेज का फीस होता है, ठीक है। या आप लोन लेके दीजिए या कहीं से भी ला के दीजिए, उसको एक ही इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका हो गया टॉप कॉलेज। फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के टॉप कॉलेज। सबसे पहला हो गया एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम एकेडमी, जो ETO के लेता है 4 लाख रुपये, और इसकी अपनी खुद की कंपनी है, तो ये खुद के बंदे को 4 महीने की कोर्स कराकर ऑनबोर्ड ट्रेनिंग देते हैं शिप की, तो खुद के बंदे को ये पढ़ा के अपने ही कंपनी में ले लेते हैं। तो एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम एकेडमी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेस्ट है। उसके बाद आता है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी। फ्रेंड, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एक सिंगापुर की कंपनी बेस है, तो उसकी भी एक कंपनी है, इसकी भी एक अपनी कंपनी है, तो ये भी अपने बंदे को पढ़ा के अपनी कंपनी में ले लेते हैं। इसका ETO का फीस जो है वो 3.5 लाख इज इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, मैं सब कॉलेज के बता रहा हूँ ऑल चार्जेस के साथ। उसके बाद हो गया ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड, इसमें क्या है कि इसका फीस कल जो है 25 जनवरी को बढ़ गया फीस इसका, तो उसका 4 लाख रुपीज़ का फी हो गया, और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। उसके बाद फ्रेंड आता है तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट की भी एक अपनी शिपिंग कंपनी है, तो ये भी बंदे को 4 महीने की ट्रेनिंग दे के 4 महीने का पढ़ाई कराने के बाद उसको शिप पे ले लेती है एज ए TM, यानी कि ETO इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर के जो जूनियर रैंक होते हैं उस पर वो बंदे को शिप पे ले लेती है। तो इसका फीस हो गया वो 3.10, यानी कि 3,10,000 रुपया।
तो फ्रेंड्स, मिला जुला कि मैंने आपको कॉलेज के इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी के नाम बता दिए हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट से कीजिए तो आपको बेस्ट हो सकता है, आपको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो तो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। अब बताता हूँ फ्रेंड, इसका स्कोप क्या है। एक्चुअली में ये ETO कोर्स जो है ना, वो है क्या? ETO कोर्स जनरली में इसको शिप पे सब बोलते हैं 32A, जो शिप पे रहते हैं उसको बोलते हैं 32A, ठीक है। इसका वर्क रहता है कि ऑन बोर्ड शिप पे अगर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी कि अगर किसी के केबिन का फ़ैन नहीं चल रहा है, या एसी ख़राब है, या बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसको चेंज करना, उसको देखना, ठीक है। अब इसके स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप इसमें मेरा ओपिनियन है वो ओनली 5 ईयर के लिए इसमें स्कोप है, जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैंने ETO से रिलेटेड जितनी भी वीडियो थी यूट्यूब पे, सारी की सारी देख डाली, ऑल टू ऑल, ठीक है। और मैंने अपने सीनियर से पूछा, कितने यूट्यूबर से मैंने बात की ETO को लेके, और उसका मानना, यहाँ तक कि शिप के कैप्टन सबसे मेरी बात हुई, एक शिपिंग कंपनी के ऑनर से ही बात हुई, तो उनका एक ही कहना है कि भाई ETO आप जा रहे हैं, अभी जितने भी फ्रेशर जा रहे हैं शिप पे, वो बोलते हैं कि यार ETO का कोर्स कर लेते हैं, 4 महीने का कोर्स करने का, अगर हम 12th पास है तो 4 महीने का कोर्स करने के बाद चले गए शिप पे, ऑफिसर रैंक में ज्वाइनिंग होगा और सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। मैं आपका बात मानता हूँ, मान लिया कि आपको सैलरी अच्छा खासा मिल गया, क्या गारंटी कि वो आपको सैलरी हमेशा मिलता रहेगा? एक GP रेटिंग वाला बंदा अगर 8 महीने का या 6 महीने का कोर्स करके जाता है ऑन बोर्ड शिप पे, 8 महीने उसको लग ही जाता है, अगर वो कोर्स करके जाता है GP रेटिंग का, तो वो एक टाइम अगर वो हार्ड वर्किंग करेगा तो वो आज नहीं तो 10 साल के बाद भी एक चीफ ऑफिसर, एक कैप्टन बन सकता है शिप का। लेकिन ETO वाले कभी भी कैप्टन नहीं बन सकते शिप का, कभी भी चीफ ऑफिसर नहीं बन सकते, कभी भी चीफ इंजीनियर नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जितने भी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, मैं उसको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई ऐसा फ्रेशर दिखा दो जो चीफ ऑफिसर बन गया होगा, जो कैप्टन बन गया होगा, ठीक है। अभी एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो ETO का कोर्स करके गया है, और जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं सबको ये बता रहा है कि ETO इज़ बेस्ट कोर्स, ETO इज़ बेस्ट कोर्स। भाई मैं मानता हूँ बेस्ट कोर्स है, लेकिन 4 से 5 साल के इस कोर्स की कोई स्कोप नहीं है, कोई नथिंग स्कोप। क्योंकि भाई मैं आप ही से पूछता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर से ही पूछता हूँ कि अगर मेरा सब्सक्राइबर एक कंपनी का ऑनर है, एक शिपिंग कंपनी का ऑनर है, शिपिंग कंपनी के ऑनर क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं किसी एक आदमी को अगर शिप पे रह के काम करवाता हूँ तो उसको उनको सैलरी देने पड़ेगी। अगर आप ही एक शिपिंग कंपनी के ऑनर हो और आपको कोई बंदा शिप पे वर्क कर रहा है, आप उसको सैलरी दे रहे हैं $200, वहीं पे अगर कोई वर्क करने के लिए आता है $150 पे, तो आप डेफिनेटली उस बंदे को हटा दोगे। क्यों हटा दोगे? कि वही काम है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इसमें ये सेम प्रोसेस यहाँ भी है। अब आप सोचोगे कि भाई इंजन वाले को, इंजन कैरेट को क्यों नहीं हटाते हैं, डेक कैरेट को क्यों नहीं हटाते हैं? एक बात बता दूं मैं, इंजन कैरेट और डेक कैरेट एक स्टेप बाय स्टेप एक लेवल क्रॉस करते हुए एक कैप्टन बनता है, ठीक है। शिप पे एक इंजन के बिना शिप नहीं चलता, एक डेक मतलब एक डेक साइड के जो होता है उस पर जो चीफ ऑफिसर होते हैं, थर्ड ऑफिसर होते हैं, सेकेंड ऑफिसर होते हैं, कैप्टन होते हैं, उसके बिना शिप नहीं चल सकता। उसी तरीके से इंजन साइड में हो गया, फोर्थ इंजीनियर हो गया, थर्ड इंजीनियर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, इस सब के बिना शिप नहीं चल सकती। लेकिन ETO इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर के बिना शिप चल सकती है, क्योंकि अभी जो मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी बेस्ट क्वालिटी की हो गई है कि एक अगर इंजीनियर शिप पे जाता है तो कंपनी के ऑनर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो यानी कि इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर शिप पे रखे, क्योंकि वो वर्क इंजन कैडेट ही कर लेता है। और ओनली 50% शिपिंग कंपनी है जो ETO को ले रही है अभी फ़िलहाल,
और जो मेरे फ्रेंड्स यूट्यूबर्स हमें बोल रहे हैं कि 110% जॉब है भैया, चलिए आइए आँख मुन के। भाई जीपी रेटिंग वाले का स्कोप है, मैं बता रहा हूँ ना, जीपी रेटिंग वाला, मैं ईटीओ से बता रहा हूँ, ईटीओ से मैं लाख गुना अच्छा बोलता हूँ जीपी रेटिंग वाले को। कम से कम वो एक कंपनी में हार्ड वर्किंग करेगा तो एक टाइम आएगा कि वो भी कैप्टन बन सकता है, वो भी चीफ ऑफिसर बन सकता है, वो भी हाई लेवल पर जा सकता है। लेकिन ईटीओ वाला कभी नहीं जा सकता हाई लेवल पर, ये लिखवा लो मुझसे। और कितने बंदे बोले भाई कनाडा जाके ये करके वो करके चीफ ऑफिसर बन सकते हैं, भाई भरो ना, फिर इंडिया की बात क्यों करते हो आप? रहते हो इंडिया में और रूल रेगुलेशन बोलोगे हमको अमेरिका के पढ़ाओगे? कोर्स तो कहूँ भी जाके कर सकते हैं हम, उतना हमारे पास पैसा है। इंडिया में 60% लोग मिडिल क्लास फैमिली है, पैसा कहाँ से आएगा भाई? ETO का कोर्स कर लेंगे, ETO कोर्स का करने के बाद 4 से 5 साल आराम से कमा लेंगे। 4 से 5 साल के बाद सब्सक्राइबर उसको ला के देगा, उसका जो यूट्यूबर है उसको देगा जॉब? नहीं दे सकता जॉब, क्योंकि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर में मर्चेंट नेवी में इतना फ्लूड होगा, मैं गारंटी देता हूँ इतना फ्लूड होगा। अभी इस टाइप इस कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में मर्चेंट नेवी बहुत ही फ्लूड होगा। और उस टाइम जो जॉब की मारा मारा रहेगी ना, उस टाइम में ETO वाला मार खाएगा, कोई शिपिंग कंपनी नहीं लेगी। ये लिखवा लो, मैं बोल दे रहा हूँ ETO वाले को, ये मेरी एक मैसेज है ETO वाले को। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ETO कर लो तो कर सकते हो, किसी को मना नहीं कि भाई ETO कोर्स मत करो। मेरा एक समझाना एक कर्तव्य बनता है, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि आपको एक सही डायरेक्शन दिखाऊँ। आगे आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दें कि अगर एक कंपनी का ऑनर है तो वो चाहता है कि मेरी शिप की सेलिंग जो है वो कम से कम पैसा में हो, ताकि मेरी बेसी से बेसी मेरा मुझको ज़्यादा बेनिफिट हो, मेरी कंपनी जो मेरी शिपिंग कंपनी ज़्यादा बेनिफिट में चले, ज़्यादा प्रॉफिट में चले। उसके लिए वो क्या करता है, जो सीफेयर उसको मिल रहे हैं $200 में, वो चाहेंगे कि हमको $150 मिले। सेम अगर वो जूनियर कैडेट को लेता है शिप पे, उसको सैलरी कितना देता है $200, एग्जांपल लेता है $500 एक जूनियर ऑफिसर को लिया, जूनियर रैंक के जूनियर कैडेट को लिया, उसको सैलरी देता है $200। नेक्स्ट ईयर अगर वो वही जूनियर ऑफिसर अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का शिप पे जाता है तो वो बन जाता है फोर्थ इंजीनियर या थर्ड ऑफिसर। तो उसकी सैलरी कितनी होती है, 1 लाख अप्रॉक्स, 1 लाख से ज़्यादा होती है। तो कंपनी का ऑनर जानता है कि ये जूनियर नहीं, अब ये सीनियर रैंक, अभी से उसका रैंक हो गई है, ठीक है। इस पर अब एक शिप की जिम्मेदारी आ गई है कि भाई आपको ये वर्क करना है इस टाइमिंग में, ठीक है। शिप पे ऐसे, शिप पे हर एक बंदे के पास एक ना एक जिम्मेदारी होती है, एक वर्क होती है कि आपको ये वर्क करना है शिप पे। कोई भी शिप पे ऐसा नहीं होता जिसको फ्री ऑफ मतलब फ्री फाइन दिया हुआ है, भाई तुमको जो करने का करो। जो ETO का वर्क क्या है बता दो, शिप का रोज़ रोज़ बल्ब फ्यूज़ होता है, शिप का रोज़ रोज़ वायर चलता है, शिप का रोज़ जनरेटर ख़राब होता है, शिप का रोज़ जो हो गया वो फ़ैन ख़राब होता है, बल्ब ख़राब होता है। नहीं, कंपनी चाहेगी तो पोर्ट्स पे भी ठीक करवा सकती है ना, कंपनी चाहेगी तो पोर्ट्स पे भी ठीक करा देगी। जिस तरीके से आपके घर में अगर बल्ब फ्यूज़ करता है या शॉर्ट सर्किट होता है या आपके घर का फ़ैन ख़राब होता है तो आप फ़ोन करते हो इलेक्ट्रीशियन को, इलेक्ट्रीशियन आता है ठीक करके जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है शिपिंग कंपनी में आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में। मैं कह दे रहा हूँ कि जिस पोर्ट पे आप जाइएगा उस पोर्ट पे आपका कंपनी का ऑनर फ़ोन करेगा, इलेक्ट्रीशियन आएगा ठीक करके जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हर कंट्री में एक लिंक होता है कंपनी का, ठीक है ना, हर कंपनी में एक लिंक होता है कंपनी का। तो मैं आपको बता दिया ETO के बारे में, फिर भी मैंने आपको कॉलेज बता दिए टॉप टॉप कॉलेज जो बता दिया, मैंने सबका फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया हूँ। तो जिसको लगता है कर सकते हो, तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।